नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को केसीसी घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और ऋण मैनुअल का किया उद्घाटन। सीतारमण ने घर घर केसीसी अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन। चावल और गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए वास्तविक समय अनुमान की सराहना की और अनुमान को दलहन व तिलहन फसलों तक बढ़ाने का किया आह्वान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ना है केसीसी घर घर अभियान का उद्देश्य। वास्तविक समय की मौसम की जानकारी सुनिश्चित करना है विंड्स मैनुअल का उद्देश्य, ताकि किसान सही समय पर फसलों को लेकर रहें सचेत। कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता महत्वपूर्ण, सरकार ने इस संबंध में उठाए हैं कदम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषक मित्र योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के हितग्राहियों के आवेदन फॉर्म भरने की गई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में कई नए रिकॉर्ड किए हैं स्थापित। सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए हर संभव किए हैं प्रयास। किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का भी किया गया है काम। मौसम विभाग ने 3 दिन तक गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की जताई संभावना। 22 सितंबर तक देश के पूर्वी हिस्सों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। गुजरात, उत्तरी कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तेज हवा चलने के साथ भारी वर्षा की आशंका। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का शुभारंभ किया। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर घर अभियान आगामी 1 अक्टूबर से शुरू होगा। केंद्र सरकार की इस पहल से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ने से कार्य में पारदर्शिता आएगी। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना चाहती है। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर घर अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा। यह अभियान डिजिटल रूप से चलाया जाएगा। इस प्रयास में बैंक, पंचायत और जिला प्रशासन सहयोग करेंगे, ताकि पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को अगले 3 महीने में किसान क्रेडिट कार्ड मिल सके। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम यानी विंड्स मैनुअल का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तकनीकीकरण की ओर ध्यान देने पर जोर दिया। But I was more concerned about the regional rural banks, which are partly owned by the states, partly owned by sponsor banks, and their digitization, computerization. Therefore, if they didn't have it, extending phone bank facility, banking facility on the phone, not the phone banking of the UPI era. So, for banks to produce internet banking facility, unless their computerization happens, it won't work out. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की पहल की है। घर घर अभियान करने से एक बड़ा काम एक क्षेत्र में हो जाएगा और हर किसान जो इसकी पात्रता रखता है उसको अपनी पात्रता के अनुसार 3 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति अल्पकालिक ऋण के रूप में होगी। किसान ऋण पोर्टल कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग और नाबार्ड, RBI सब लोगों के समन्वय से मिलकर ये विधा तैयार हो गई है। बिंड्स मैनुअल का भी विमोचन संपन्न हुआ है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ करने का उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र में समग्र क्रांति लाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डाटा उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है। भारत सरकार देश के किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में किसान ऋण पोर्टल के साथ साथ घर घर केसीसी अभियान और विंग्स मैनुअल का विमोचन किया गया। निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल से एक ओर जहां किसानों के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया सरल और आसान होगी, वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक तरक्की के विकल्प भी बढ़ेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को एक नई सौगात देते हुए बुधवार को कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा इस योजना के हितग्राहियों के आवेदन फॉर्म भरने की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में हरदा के निरपतिया ग्राम से पधारी महिला कृषक नमिता निरावे इस योजना की पहली हितग्राही बनी, जिनका ऑनलाइन फॉर्म सीएम शिवराज ने खुद भरवाया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों की अथक मेहनत और परिश्रम से मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। किसानों को 0% ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का भी काम किया गया है। आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि 2003-04 तक अन्न का उत्पादन मध्य प्रदेश में कुल होता था 159 लाख मीट्रिक टन और अब वो बढ़ के पहुंच गया है लगभग 619 लाख मीट्रिक टन। ये पिछले साल का रिकॉर्ड। हमने अन्न के भंडार भर दिए, हमने आपका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप याद कीजिए वो दिन जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और किसान को 15-16% पर ब्याज मिलता था। कई बार जो सुविधा मिलती उसके बारे में अपन भूल जाते हैं। मैंने घटा के पहले 7% किया, फिर 5% किया, फिर 3% किया, फिर 1% किया और बाद में तय कर दिया 0% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था कि जब मध्य प्रदेश में बिजली का कुल उत्पादन 2900 मेगावाट हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर हमने 29,000 मेगावाट किया है। राजा, नवाब और कांग्रेस ने मिलकर प्रदेश में कुल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की और हमारी सरकार अब तक अकेले 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की है और अब 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता करने का हमारा लक्ष्य है। बिजली देने में भी वो जमाने थे जब 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं मिलती थी। बिजली का कुल उत्पादन मध्य प्रदेश में 2900 मेगावाट होता था, उपलब्धता मिला के होती थी 5000 मेगावाट। आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने करके आपको दिया है। सिंचाई की व्यवस्थाएं अगर आप देखें तो आजादी के पहले भी राजा नवाबों ने जो बांध बनाए और कांग्रेस की सरकार आई तब जो बांध बने उनसे कुल 7 लाख हेक्टेयर में होती थी। आज सिंचाई की व्यवस्था कर दी 47 लाख हेक्टेयर में, 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हम रुके नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं। अभी जितने प्रोजेक्ट का हमने शिलान्यास किया है, काम शुरू कर रहे हैं, उनको मिला लेंगे तो 65 लाख हेक्टेयर को हम क्रॉस कर जाएंगे। और हमारा संकल्प है किसान भाइयों कि हम हर किसान को पानी दें। अभी कैन और बेतवा जोड़ने का भी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो मंजूर हो गया है। और सीएम शिवराज ने फसल नुकसान को लेकर फिक्रमंद किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि चिंता न करें, मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी की जाएगी। करना ये हमारी पहली जवाबदारी है और आगे भी किसान कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत बढ़ाना, उत्पादन का ठीक दाम, और नुकसान अगर हो जाए, और अभी भी मैं कह रहा हूं कई नुकसान हुआ है तो चिंता ना करें, मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, हम नुकसान की भरपाई भी करेंगे।
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पहल से राजस्थान के जोबनेर में स्थित एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय के छात्र उपराष्ट्रपति के अतिथि बनकर संसद भवन की विजिट करेंगे। नए भारत की संसदीय परंपराओं को समझने में आ रहे कृषि छात्रों के लिए ये अवसर कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बरलाल सिंह से। देश के इतिहास में पहली बार श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कृषि से संबंधित छात्र अब देश की संसद का दौरा करेंगे, नए भारत की तस्वीर को समझेंगे और किस तरह लीडरशिप के गुण विकसित किए जा सकते हैं इस पर अपना विचार मंथन करने के साथ राष्ट्र विकास में भविष्य में अपना योगदान देंगे। और यह सब अनूठा कार्य हुआ है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की पहल से। आइए बात करते हैं सर, आपने कृषि क्षेत्र में एक नए लीडरशिप पैदा करने का एक अनूठा कार्य शुरू करवाया और अब देश की संसद में कृषि विश्वविद्यालय के छात्र जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे उपराष्ट्रपति जी के जरिए एक नई शुरुआत आपके माध्यम से हुई है? बिल्कुल, देखिए अभी 14 सितंबर को देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी जब जोबनेर में हमारे 11वें स्थापना दिवस में आए तो महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने ये बात रखी कि किस तरीके से आज दिल्ली के अंदर नई संसद और दूसरे भवन या वार मेमोरियल या दूसरे भवनों का निर्माण हुआ है और हमारे बच्चे जो दूर दराज के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं वो इन चीज़ों से अधिकतर अनभिज्ञ रहते हैं। तो आपको ये प्रयास करने चाहिए कि आप 10-10 के ग्रुप बनाकर 10 बच्चियों को और 10 बच्चों को एक सप्ताह के लिए भेजिए दिल्ली के अंदर और वो महामहिम उपराष्ट्रपति जी के जो हैं मेहमान रहेंगे और उनको ये सारी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। तो एक तो बच्चों में जब इस तरीके का ये पहली शुरुआत है, शायद इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कोई व्यक्ति बैठा और उसने ऐसी शुरुआत की है, अपने आप आगे चल के उस बात को रखा है, तो निश्चित रूप से इसमें हमारे बच्चों का कृषि के क्षेत्र में जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनका बहुत मोटिवेशन होगा। इसकी शुरुआत उन्होंने की आपके कॉलेज से, इस चीज़ को लेकर आप कितना उत्साहित हैं और भविष्य में आपने भी जिक्र किया कि बच्चे कृषि क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करें और राष्ट्र निर्माण में अपना सृजन योगदान दें? निश्चित तौर पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी तो हैं ही और जब भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम उनसे, और जब बच्चों की बात की तो बच्चे जब दिल्ली जाएंगे तो बच्चे भी इस बात को रख सकते हैं कि साहब सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, आधारभूत ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पुरानी है, 1960-50 की बनी हुई है, हॉस्टल्स हों, लेबोरेटरीज हों, बिल्डिंग्स हों, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उस पर भी इस चीज़ का असर पड़ेगा और वो मांग की जा सकती है। तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह, जिनका मानना है कि महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 10-10 बच्चों के लड़के और लड़कियों को संसद के अंदर आमंत्रित करने के लिए जो पहल की है उससे न केवल विश्वविद्यालय के बच्चों में उत्साह का माहौल है बल्कि विश्वविद्यालय गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पर यह जो पहल शुरू हुई है उससे न केवल छात्रों में कौशल विकास और लीडरशिप के गुण पैदा होंगे वहीं दूसरी ओर उनका एक्सपोजर बढ़ने से वो राष्ट्र विकास में ज़्यादा खुलकर अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी होंगे। मेरे सगे कैमरामैन गिरधर के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज जयपुर। और राजधानी नई दिल्ली स्थित फिक्की सभागार में कृषि की क्षमता के दोहन पर ज्ञान साझा करने से संबंधित सत्र 2035 अंतिम माइल पर केंद्रित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के विषय पर बोलते हुए यारा के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार ने कहा कि कृषि में आज बेहतर जल प्रबंधन की जरूरत है ताकि सीमित होते जल संसाधनों के मद्देनजर हम पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग कर सकें। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें दो चीज़ें निकल कर आई हैं, एक तो जो डिस्कशन हुई है उसके अंदर सॉइल हेल्थ के बारे में बात हुई है एंड उससे एक और बहुत ज़रूरी अहम बात जो उठकर आई अभी सेशन में इज़ ऑन वाटर मैनेजमेंट कि देश के अंदर सॉइल हेल्थ ज़रा सी ठीक नहीं है और पानी को लेके जो अभी टेंशन चल रहा है जिसे कहें कि पानी की किल्लत है और उसको पानी को किस तरह से अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए और पानी को इस्तेमाल करते हुए खाद भी कैसे दी जाए, क्रॉप न्यूट्रिशन कैसे बढ़ाई जाए टू यूज़ इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन जिससे कि उनकी फार्म प्रोडक्टिविटी पे पॉजिटिव असर आए।
और इस अवसर पर डीडी न्यूज से बात करते हुए दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के निदेशक भागीरथ चौधरी ने कहा कि कृषि फसलों में पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आज वक्त की जरूरत है। भागीरथ चौधरी ने कहा कि पोषण की समस्या से निजात मिले इसके लिए जरूरी है कि हम पहले खेती में फसलों के लिए संतुलित पोषण को बढ़ावा दें ताकि पौष्टिक व पौष्टायुक्त भोजन जो है वो मिल सके। जो फसलों के अंदर न्यूट्रिशन उसकी क्या अहमियत है, जैसे हमें पता है हमारा देश के अंदर मेल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी समस्या है और ये जो न्यूट्रिशन है वो फसलों के थ्रू खाद्य पदार्थों के माध्यम से हम लोग लेते हैं क्योंकि फसलों के अंदर खुद में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, इसलिए हमारे देश के अंदर ये कुपोषण की जो समस्या है वो बहुत बड़ी बनी हुई है। जो आज का जो ये प्रोग्राम था इसके दो अहम मुद्दे थे, पहला कि क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्शन के अंदर न्यूट्रिशन की क्या अहमियत हो सकती है और दूसरा जो अच्छा न्यूट्रिशन यूज़ करने से जो क्रॉप्स के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है फॉर कंजम्पशन पर्पस से ताकि जो कुपोषण की जो समस्या है उसे निपटा जाए, इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुआ है। और देश के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने फिर से सक्रिय होने के कारण बारिश से संबंधित गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक गंगीय पश्चिम बंगाल उड़ीसा और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। 22 सितंबर तक देश के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है और इसके अलावा गुजरात, उत्तरी कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तेज हवा चलने के साथ भारी वर्षा की होने की भी संभावना जताई गई है। चंबा शहर के धगौड़ मोहल्ला निवासी गुलशन चंद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सम्मानित किया था। ये सम्मान उन्हें चंबा चप्पल के उत्थान और गुरु शिष्य परंपरा के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया था। चंबा चप्पल क्यों है आकर्षक, देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित शिल्पकार गुलशन चंद्रा का आज गृह जिला चंबा पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ। शिल्पकार गुलशन चंद्रा अपने चार अन्य साथियों के साथ जब चंबा पहुंचे तो उनके परिजनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। चंबा चप्पल शिल्पकला में राष्ट्रीय स्तर पर मिले विश्वकर्मा पुरस्कार को लेकर गुलशन चंद्रा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि चंबा चप्पल शिल्पकला का एक नायाब उदाहरण है। 20-25 साल से चंबा चप्पल के काम से जुड़ा हूँ जिसके कारण ही मुझे ये पुरस्कार मिला है, मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेदर क्राफ्ट सोसाइटी के अध्यक्ष विशाल कायस ने कहा कि पूरे देश भर से अलग अलग क्षेत्रों के शिल्पकार दिल्ली में आमंत्रित किए गए तथा चंबा चप्पल से जुड़े 5 शिल्पकार भी शिल्पकार गुलशन चंद्रा की अगुवाई में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके अनुसार यह काफी मेहनत का काम है तथा चंबा के शिल्पकार वर्षों से इस शिल्प कला को सहेजे हुए हैं। पूरे देश से जो है वो कारीगर अलग अलग स्टेट से आए हुए थे और इनको जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सम्मानित किया गया। चमड़े व रेशम के धागे से बनने वाली चंबा चप्पल न केवल देखने में आकर्षक होती है बल्कि पहनने में भी काफी आरामदायक होती है। उन जैसे शिल्पकार इसे पूरी मेहनत के साथ अपने हाथों से तैयार करते हैं। उन्होंने चंबा चप्पल के निर्माण से जुड़े लोगों को इस शिल्पकला को और आगे बढ़ाने का भी आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। मंगलवार को चने के सौदे में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। ध्रोल, राजकोट और अलीगढ़ मंडी में चने के सौदे में गिरावट रही जबकि सीतापुर मंडी में चने के भाव में तेजी रही। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 18 सितंबर को चने का भाव था 5,200 रुपए। 19 सितंबर को इसके भाव में 315 रुपए की गिरावट आई और भाव आ गया 4,885 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में भी इस दौरान चने के सौदे में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 सितंबर को चने का भाव रहा 5,705 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़क कर 5,675 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 18 सितंबर को चने का भाव था 6,350 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए टूट कर 6,340 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में इस दौरान चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 18 सितंबर को चने का भाव रहा 5,850 रुपए।
19 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए उठकर 5,900 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 19 सितंबर को चने का कारोबार 5,038 रुपए पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वही बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.4 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन थी। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात की कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 18 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,580 रुपए। 19 सितंबर को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 4,555 रुपए पर। राज्य की ही वीसावदर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,250 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदे 240 रुपए चढ़कर 4,490 रुपए पर हुए। जबकि गुजरात की ही जसदण मंडी में 18 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,600 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदे में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जूनागढ़ मंडी में दौरान सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 18 और 19 सितंबर को सोयाबीन का भाव 4,625 रुपए पर टिका रहा। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 125.57 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 124.31 लाख हेक्टेयर में हुई है। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान मटर और राजमा की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान मक्के की फसल की विशेष देखभाल करें। इस मौसम में मक्के में फॉल आर्मी वर्म का खतरा रहता है, ऐसे में किसान कीट को नियंत्रित करने के लिए जाल लगाएं और इनके अंडों और लार्वा को कुचलकर नष्ट कर दें। यदि संक्रमण अधिक हो तो नीम के बीज की गिरी के अर्क को पानी में मिलाकर छिड़कें। हिमाचल प्रदेश के किसान दलहन फसलों जैसे सोयाबीन, उड़द और मूंग की अच्छे से देखभाल करें। यदि इन दलहन फसलों में रस चूसक कीट का खतरा दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें, साथ ही इनके खेतों में पानी जमा ना होने दें। हिमाचल में मशरूम की खेती कर रहे किसान अच्छी पैदावार के लिए इनके कमरों का तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश के चाय बागानों में चाय की अच्छी पैदावार के लिए इनके छायादार बालों की कटाई करते रहें। इस मौसम में चाय में ब्लिस्टर ब्लाइट का खतरा रहता है, ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। उत्तराखंड के पंतनगर में इस समय अमरूद के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल में मिर्च की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। नैनीताल के किसान आलू के खेतों में पानी जमा ना होने दें। उत्तराखंड के देहरादून के किसान उड़द और मूंग की फसल को थ्रिप्स और पीला मोजेक से बचाने के उपाय कर लें। इस मौसम में किसान मूंग और उड़द की सिंचाई
फिलहाल रोक दें। उत्तराखंड के गन्ना किसान गन्ने की सिंचाई फिलहाल स्थगित कर दें, साथ ही इनके खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग दिखाई देने पर ऐसे संक्रमित पौधों को हटा दें या जला दें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी ऑपरेशन दृष्टि के तहत मुरादाबाद रेंज में पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर 33,000 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं। मुरादाबाद के डीआईजी ने कहा है कि कैमरे की वजह से अपराध की घटनाओं में कमी आई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक अकादमी ने 2 दिवसीय लोक उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। गुजरात में सूरत पुलिस की साइबर सेल ने साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने का संदेश देते हुए भगवान गणेश का पंडाल तैयार किया। तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मदुरे जिले में विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की। मदुरे के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया है कि 2 दुकानों को सील भी किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो सरकारी संस्थाओं में मानक कक्षा स्थापित करने के लिए 1,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस सुविधा की शुरुआत की है। सरकारी कर्मचारियों को पीपीपी मोड में चलने वाले जिला अस्पतालों में अब 4 बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं नकद लिए बिना मिल सकेंगी। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की 4थी और अंतिम बैठक रायपुर में संपन्न हुई। 2 दिवसीय इस बैठक की अध्यक्षता भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से की। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है। उन्होंने समय समय पर वैज्ञानिकों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया बल्कि उनकी क्षमताओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास भी किए। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर लोकसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा है कि कांग्रेस इस विधेयक का समर्थन करती है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि डेंगू को लेकर कोई चिंताजनक बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन निगरानी की जा रही है और सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।